हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आज मैं मार्केट आ रखी हूँ और ये मार्केट है साउथ दिल्ली की सबसे मशहूर वीकली मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, जो कि लगती है भोगल में। और ये भोगल पड़ता निज़ामुद्दीन के पास। यहाँ का फेमस मेट्रो स्टेशन है, नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है जंगपुरा, जो कि आप वहाँ से ई रिक्शा करके आपको ई रिक्शा वाला यहाँ पर मार्केट में उतार देगा। तो फ्रेंड ये शुरू होता है, मेन रोड पड़ता है इसका, मेन रोड पे पूरी मार्केट लगती है और साथ साथ बीच बीच में गलियों में भी लगती है। यहाँ पे आपको हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे, जूते, चप्पल, साड़ी, सूट, बच्चों के कपड़े, पर्स, कॉस्मेटिक, जो भी आपको चाहिए सब इस बाज़ार में सामान मिलता है और बहुत ही किफ़ायती दामों में मिलता है। और ये देखिए, सबसे पहले साड़ियों की दुकान, बच्चों के कपड़े देखे हमने, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भैया कुर्तियाँ लेके बैठे थे, जो कि 250 की कुर्ती थी। अगर आपने 2 पीस और 3 पीस लेना, उन सब के अलग अलग प्राइस थे। तो इनका कपड़ा था कॉटन का, जो कि बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट कपड़ा था, तो काफ़ी लोग ले रहे थे वहाँ पर। तो कुछ अच्छा लगा तो लेना, तो अभी नहीं है मेरे को, तो जब लेना होगा जरूर लूँगी। उसके साथ ही क्रोकरी की दुकान थी, जो कि ये बॉटल पूछी, उन्होंने 250 की बोली, जो कि मुझे थोड़ी कॉस्टली लगी, इसलिए प्लास्टिक की थी। और एक लेडीज ने कटोरी ले लो 20 रुपये, पलटा ले लो 50 रुपये, पलटा ले लो 50 रुपये, कच्ची ले लो 50 रुपये, चम्मच 70 रुपये ले जाओ, साथ की छह चम्मच ले जाओ, कटोरी ले लो 20 रुपये, कटोरी ले लो 20 रुपये, पलटा ले लो 50 रुपये, पलटा ले लो 50 रुपये, कच्ची ले लो 50 रुपये, चम्मच 70 रुपये ले जाओ, साथ की छह चम्मच ले जाओ। दे रहे थे ऐसे था। आगे ये भैया सूट लेके बैठे थे, कुछ 350 के थे, कुछ 550 के। नीचे लेन थी जो बोल रहे थे अभी 350 की है, ऊपर लेन 550 की है। कॉटन में सूट थे, अच्छी क्वालिटी थी सूटों की। तो देखिए देखिए, ऐसे कहीं कहीं पे एम्ब्रॉयडरी थी, कईयों के प्रिंट थे, अलग अलग तरह के अलग अलग सूट थे सारे। ये ऊपर वाले 550 के थे। आगे हम चलते जा रहे फ्रेंड, दोनों साइडों पे मार्केट लगती है सड़क के, दोनों पहले शॉप्स हैं, शॉप्स के आगे ये छोटी छोटी शॉप्स लगती हैं। आगे ये इन्होंने छोटे छोटे टेबल लगाए होते हैं, तो उनके ऊपर सामान रख लेते हैं। और ये मार्केट थी, ये वाला स्टॉल था, प्लास्टिक के चीज़ें मिल रही थी, जो कि हर चीज़ 20 रुपीज़ में मिल रही थी। तो ये बास्केट होगी, कोई डिब्बे हो गए, और कि प्लास्टिक के गमले होते हैं ये रे, तो पोट जिसको बोलते हैं, और मग्गे वगैरह जो आपको चाहिए, हर तरह का सारा सामान यहाँ पर मिल रहा था। ये शॉप काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो ये नहीं भी सामान भी, प्लास्टिक भी अच्छा था इनका, और पैसे भी बहुत रीजनेबल थे, 20 रुपीज़ था हर चीज़ में। आगे फ्रेंड चलते जा रहे हैं, आपको ये देखिए यहाँ पे लटकन मिल रही थी, लटकन ले लीजिए, लेसिस ले लीजिए, मीटर के हिसाब से मिल रही थी। तो ये लटकन थी, अलग अलग प्राइस थे सब लटकन के। और ये लेसिस भी पैकेट भी मिल रहे थे, अगर आपने एक दो मीटर लेनी तो वो भी मिल रहे थे यहाँ पर। गोटा, बटन्स, जो आपको चाहिए सब इस शॉप पे मिल रहा था। तो ये देखिए, लटकन काफ़ी अच्छी थी, फैंसी डिज़ाइन थे इन लटकन्स के, तो अच्छे लग रहे थे। और साथ वाली शॉप पे कपड़े, सूट्स वगैरह थे, बच्चों के थे और बड़ों के, सब तरह के मिल रहे थे। साथ साथ शॉप्स लगती हैं, तो बिल्कुल भी गैप नहीं होता। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी जैसे सरोजिनी नगर मार्केट में भीड़ होती है ना, तो उस तरह से मार्केट थी। तो ये मार्केट लग जाती है शाम को 4, 4:30, 5 बजे के करीब लग जाती है, रात को 10 बजे तक चलती है ये मार्केट भी। ये नहीं है गर्मी में आपको सुबह सुबह आना पड़े, ये शाम को भी आ सकते हैं। और ये आगे कुर्तियों का स्टॉल लगा हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छी थी, कॉटन में, सारी कॉटन में ही कपड़े ज़्यादातर मिल रहे हैं। तो ये लोग को पता, लोग ज़्यादातर कॉटन प्रेफर करते हैं, तो वो कॉटन के सामान ज़्यादातर लेके आते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक भी दोनों, जहाँ आप जिस गली में जाओगे आपको क्रॉकरी का, क्रॉकरी हर तरह का सामान मिला। और एक ये भैया थे यहाँ, ये भी 20 रुपीज़ का लेके बैठे थे, हर सामान 20 रुपीज़। ये देखिए कितना सामान है, बाल्टी छोटी छोटी, तो बॉटल्स, ये देखिए मग्गे, टोकरी, छन्नी, जो भी आपको चाहिए सब मिल जाता है। ये भी 20 रुपीज़ में दे रहे थे। तो इनका प्लास्टिक सेम था जैसे पीछे भैया ने लगा रखी थी, वैसी शॉप थी, तो भैया अलग अलग थे इसलिए। ये देखिए सामने, बिल्कुल इनके सामने ये 350, 350 की थी, 300 की थी ये चप्पल, और बैली थी, तो ये भी ठीक, अच्छी लगी क्वालिटी इनकी,
अच्छी क्वालिटी में थी, हर तरह के चप्पल जूते मिल रहे थे यहाँ पे। हील्स भी थी, प्लेन भी थे, बैली भी थी, जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा यहाँ पर इस शॉप पे। तो देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर। तो मार्केट मुझे तो बहुत पसंद आई है, तो आप भी कभी आप आना हो इस साइड तो जरूर आके देखिए। ट्यूसडे को लग जाती है मार्केट, शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलती है। मार्केट काफ़ी अच्छी है, पूरी लेन में है, तो मेन रोड है यहाँ पर भोगल का, उस वाले रोड पे ये मार्केट लगती है। तो आगे चल रहे हैं, भीड़ इतनी थी कई जगह पर तो निकलने का रास्ता भी नहीं था। ये भैया छोटे छोटे पर्स लेके बैठे थे आगे, और ये देखिए मिल रहे थे 100 रुपीज़ में ये शर्ट कुर्तियाँ थी। और ये नीचे भैया चप्पल्स लेके बैठे हुए थे, जूते चप्पल दोनों साइड पे जैसे रहते हैं आप। साथ साथ शॉप्स हैं, चूड़ियाँ बिंदी हर तरह का आपको सामान मिल रहा है। कुछ कुछ शॉप पे मैं रुकी हूँ, वैसे तो चलती गई हूँ, कुछ कुछ शॉप पे मैंने रुक के प्राइस पता की है, क्योंकि हर शॉप पे प्राइस पूछना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनके पास गाहक भी होते हैं लेने वाले, सामान लेने वाले। और ये भैया थे, इनके पास जो से अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे ऐसे सामान मिलता है ना, तो उस तरह का सामान किचन से रिलेटेड मिल रहा था। तो मैंने यहाँ से भैया के पास खड़े होकर पूछा था, तो एक तो फ्रिज कवर पूरा रोल मिल रहा था, ये देखिए भैया जी के हाथ में है। तो ये रोल 350 का दे रहे थे, इससे बड़ा था वो 500 का था। तो ये कह रहे आप बिछा सकते हो कहीं भी अलमीरा में, फ्रिज में, जहाँ हमारी किचन कैबिनेट होती हैं उसके अंदर। तो ये बिछाने में काफ़ी थिक था ये, तो मुझे लगा फ्रिज पे बिछाने के लिए पूरा नहीं आएगा, तो मैं ये भैया को बोला अब ला के रखना, तो मैं ले जाऊँगी जब भी आऊँगी यहाँ पर। तो भैया कह रहे मैं ला के रख दूँगा जी, अभी ख़त्म हो गया, आप थोड़ी जल्दी आइए। और उन्होंने ये दिखाए तो एयर टाइट कंटेनर थे, ये भी स्पून के साथ थे। तो आप कह रहे कार में रख सकते हो, बिल्कुल भी इसमें से लीक नहीं होगा। मेरे को ढक्कन थोड़ा खुला लगा, इसका लूज़ था, लेकिन वो भैया बोल रहे हैं अगर आप इसमें गर्म चीज़ डालोगे तो ढक्कन अपने आप टाइट हो जाएगा। और ये सामने भैया बेडशीट्स लेके बैठे हुए थे, तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। बेडशीट्स भी बहुत प्यारी प्यारी थी, कॉटन में भी थी, मिक्स भी थी। तो कॉटन में थी वो 550, और जो सी मिक्स थी 350-400 में थी। और वैरायटी अलग अलग थी, साइज़ फुल थे इनके, ये देखिए कॉटन प्योर कॉटन में ये वाली। तो मैंने एक दो खुलवा के भी देखी, बेडशीट्स बहुत ही लाइट शेड में थी, डार्क शेड में, दोनों तरह की थी। आजकल लोग ज़्यादा लाइट शेड को गर्मियों की वजह से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो भैया जी के पास लाइट शेड भी था और डार्क भी थे। तो उन्होंने मुझे दिखाई, 2-4 पीस दिखाई उन्होंने, देखने में बेडशीट अच्छी लगी। ये बिल्कुल सामने थे, इनके पिल्लो कवर थे, क्विल्टेड थे ये पिल्लो, तो बेडशीट प्लेन थी इनकी। और एक इनके पास ये देखिए ब्लैक और वाइट बेडशीट थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। वो कह रही है सिंगल बेड में है, डबल में नहीं है, तो कह रही कोई बात नहीं। मैंने चलो कोई बात नहीं भैया, अगली बार आओगे तो वो भी ले आना। आप कह रही डबल आता है जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर भी मैंने एक पिल्लो खुलवा के देखा उनसे। ये देखिए ये पिल्लो बड़ा प्यारा लग रहा है, बिछी हुई बेडशीट बहुत ही अच्छी लगेगी। ये तो सिंगल थी, अभी कह रहे सिंगल है, तो मैं अगली बार डबल ला दूँगा आपको। तो कम से कम प्राइस उन्होंने बोला 500 लग जाएगा, इससे कम नहीं लगेगा, 1000 में 2 बेडशीट्स आपको मिल जाएंगी। तो उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग ना बेडशीट बहुत ही प्यारी थी, अच्छी थी, और आप लेना चाहो तो यहाँ से बिल्कुल ले सकते हो, जिसका कपड़ा और क्वालिटी दोनों बहुत प्यारे थे, फाइन क्वालिटी थी इनकी। तो आप ले आओ तो जरूर लेके जाओ यहाँ से, मैं भी अगली बार आऊँगी तो पक्का लेके जाऊँगी। जिस जिस शॉप पर मुझे सामान अच्छा लगा मैंने आपको बोल दिया, तो मैंने पक्का डिसाइड के लेके जाएंगे। आगे ये शॉप थी भैया, जो कि हर सामान 20 रुपीज़ में दे रहे थे। ये देखिए प्यारे प्यारे प्लास्टिक के ग्लासेस थे, स्टील के थे, तो ये भी बहुत उस वहाँ पे प्लास्टिक थे, यहाँ पर स्टील के थे ज़्यादातर बर्तन इनके पास। कटोरियाँ, ग्लास, चिमटा, चाय की छन्नी, ये सब तरह का सामान था। ये देखिए ब्रश थे, कुछ प्लास्टिक में थे, ज़्यादातर स्टील में थे। ये छोटे छोटे ब्रश होते हैं भी, आप देखोगे तो बहुत ही प्यारा सामान था। और कुछ इनके पास ब्रास का भी था, पीतल में जिसको होते हैं, पीतल में भी सामान था इनके पास रखा। तो मुझे एक छोटी सी कटोरी बड़ी पसंद आई, ये 30 रुपीज़ की बोले थे, ये सभी पीतल का सामान 30 रुपीज़ इन्होंने बताया, तो बाकी सारे 20 का था। और एक ही टोकरी में, बड़ी सी टोकरी में पीतल का सामान रखा था, जो कि हर सामान 30 रुपीज़ में था। तो ये भी यहाँ से भी हम ले सकते हैं सामान, जो भी लेना चाहो आप, तो काफ़ी यूज़फुल सामान है। तो आगे चल रहे हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट वाले भैया बैठे थे, भीड़ देखिए इनके पास कितनी लगी हुई थी।
तो एक भैया बेचारे अकेले खड़े हुए थे यहाँ पर साइकिल पे, ये देखिए चुपचाप बैठे, कोई नहीं आ रहा था। तो हमने जाके इनसे थोड़ा सामान पूछा, बेडशीट थी इनके पास। तो भैया जी बोल रहे हैं ये तो भी मिक्स में है मेरे पास। मैंने कहा मेरे को कॉटन में चाहिए, तो कह रहे आप रुकिए मैं आपको कॉटन। ये पिल्लो दे रहे थे पहले तो 100 रुपये के 4, और 2500 रुपये का एक पिल्लो कवर तो बहुत ही सस्ता है, पैसों के अकॉर्डिंग उनकी क्वालिटी थी। तो कपड़ा तो कॉटन में था तो अच्छे थे ये भी। और ये बेडशीट दिखा रही है ये मिक्स में है। तो मैंने कहा भैया नहीं मिक्स नहीं मेरे को चाहिए, मुझे प्योर कॉटन में चाहिए। तो उन्होंने कहा आप 2 मिनट रुको मैं आपको निकाल के देता हूँ। मैंने कहा भैया मुझे लेना नहीं है। वैसे कहते नहीं चलो आप देख लो, नहीं लेना तो पसंद आ जाएगा तो अगली बार ले जाना, कोई ऐसा नहीं है। तो उन्होंने हमें नीचे से निकाल के दिए। तो जब उन्होंने निकाला तो बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट उन्होंने निकाल के हमें दिखाए। तो ये देखिए, तो और मैंने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगा भैया कुछ। कहते रुको जी वो इससे अच्छा भी दिखाता हूँ मैं। फिर उन्होंने इससे अच्छा निकाल के दिखाया। तो ये प्रिंट बहुत ही प्यारे प्रिंट निकाले उसके बाद उन्होंने भैया ने। तो ये उनका प्राइस भी 550 था, तो रेट भी मुझे बिल्कुल सही लगे थे। जो उनसे पीछे भैया बता रहे थे 550, तो सेम ही उन्होंने बताया था। ये देखिए बेडशीट, ये प्योर कॉटन में कहते। तो ये देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं इनके, लाइट शेड हैं, डार्क भी हैं। तो प्रिंट बड़े ही प्यारे प्रिंट थे इनके पास। तो भैया चुपचाप से खड़े थे, मेरे को मन किया मैं इनके पास जाके देखूं। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर्स दिखा रहे हैं भैया, लाइट भी हैं और डार्क भी हैं। वही प्राइस 550। ये येलो वाला तो मुझे वाइट और येलो तो बहुत ही पसंद आई, जो कि प्योर कॉटन में थी। तो मैंने बोला भैया मैं अभी तो लेने नहीं, कहती कोई बात नहीं जब अगली बार आओ तो आप लेके जाना, पक्का आना मेरी शॉप पे तो लेके जाना। अगर मैं फिर जब कभी गई तो जरूर यहाँ से लूँगी। तो मुझे पसंद आया, मार्केट काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए बेडशीट का प्रिंट कितना प्यारा लग रहा है, बिछी हुई होगी तो बड़ी ही प्यारी प्रिंट चादर लगेगी, ये वाली बेडशीट है जोन सी। और साथ ही भैया यहाँ पर एक और बैठे थे, सूट की शॉप थी इनके, 750, और रेडीमेड सूट थे इनके पास लटके हुए। और ये साथ में जो सी अमेजोन पे सामान बिकता है ना, वही बॉटल्स, वही सीपर्स वगैरह सब इनके पास थे। तो ये स्मार्ट डेजर्ट इसको बोलते हैं, वो चीज़ें थी इनके पास। तो ये देखिए ये बॉटल, मेरे को बॉटल देख रही थी तो ये इन्होंने बताई 200 की। तो मैंने पूछा ये प्लास्टिक में अंदर से, कहते हाँ जी ये अंदर प्लास्टिक है, पता नहीं बढ़िया वाला प्लास्टिक है। आजकल वो कलरफुल बॉटल सामने पड़ी चली हुई ना, तो मैंने वो पूछा, उन्होंने बताई 220 रुपये की। तो वो कह रहे वो 200 की लग जाएगी, जो उनसे पहले वाली देखी थी वो 180 की लग जाएगी, आप ले जाओ। तो मुझे प्लास्टिक अवॉइड कर रही हूँ अभी आजकल, और मेरे पास कांच की और स्टील की बॉटल ज़्यादा ले रही हूँ। तो प्लास्टिक की तो कभी कभार हो जाता है, अभी अगर घर पे पड़ी है तो यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो नया नहीं लूँगी कब कुछ भी। कई बार बच्चों को जरूरत होती है प्लास्टिक की, लेके जाना यूज़ एंड थ्रो वाला काम होता है, वो कर लेते हैं, ले जाते हैं तो बाहर ही फेंक देते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में प्लास्टिक की बोतल्स आती हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, छोटी बॉटल्स पानी की लाते हैं तो उसमें उसको यूज़ किया और फेंक देते हैं, ऐसे करते हैं। इसलिए मैंने, और स्टील की बॉडी थी तो मुझे वो वाला रेट पूछा तो उन्होंने दिखाया। तो ये सारा सामान इनके पास जो था काफ़ी अच्छा था, और क्वालिटी भी इनकी नाइस थी, देखने के लायक क्वालिटी थी, अच्छा लगा। सिपर उन्होंने कहा जिम के लिए बॉटल से आप ले देख लो, ये देख लो, वो देख लो। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें दिखाई, ये वाली बॉटल कह रही थी कलरफुल, ये उन्होंने बताई थी हमको 220 की, सॉरी। तो आगे भी काफ़ी शॉप्स हैं, ये देखिए प्लास्टिक के सारे घर पे जो उनसे यूज़ होने चीज़ें हैं वो सारी शॉप थी, चीज़ें थी। और ये बच्चों के कपड़े थे, फ्रॉक्स वगैरह। और एक भैया साथ में ये पर्सेस लगा के बैठे थे, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी पर्स की इनकी। तो प्राइस सबके अलग अलग बता रहे थे भैया ने, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग पर्स 550, 650, 750, 1000 तक के पर्स थे इनके पास। ये देखिए कितने अच्छा, ये मैरून कलर में पर्स अच्छा लगा, तो नाइस पर्स था ये भी। बैग्स भी थे इनके पास, शॉर्ट छोटे वाले हैंड बैग भी थे और स्लिंग बैग थे, सब तरह के बैग थे इनकी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। आम मार्केट की जैसे मिलते हैं वैसी क्वालिटी नहीं थी। और ये भैया कहते हम एक पैसा नहीं कम करते, आपको लेना या नहीं लेना आपकी मर्जी है। तो उन्होंने भी कुछ भी कम नहीं किया। ये साथ में चूड़ी वाले भैया बैठते हैं, कांच की चूड़ियाँ थी इनके पास भी। और साथ में हैंगर्स वगैरह लगे हैं, सूट्स लगे हैं, जिप जीन्स, बच्चों के कपड़े, सब सामान इस मार्केट में मिल रहा है जो आपको चाहिए, शॉर्ट्स में चाहिए। ऐसा लग रहा है बिल्कुल सरोजनी नगर है, सेम क्वालिटी है, सरोजनी नगर से बेटर ही क्वालिटी इस मार्केट की। तो
तो ऐसा कुछ नहीं सोचना कि मुझे काफ़ी यूज़फुल कपड़े मिलते हैं, यूज़ किए हुए मिलते हैं सॉरी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, भी यूज़ किए हुए कपड़े मिल रहे हैं, सारे के सारे फ्रेश कपड़े हैं, फ्रेश स्टॉक है सारा। तो ये शॉर्ट्स जेंट्स के, लेडीज़ के टी शर्ट सब मिल रहे हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ये आगे देखिए बेडशीट्स हैं, ये देख रहे थे, ये भी कॉटन में थी बेडशीट, लोग देख रहे हैं, मैंने तो नहीं रुकी तो देख रहे थे। ये स्कूल बैग्स आगे इसके पास, भैया के पास भी नहीं रुके हम लोग। तो ये बैग वाली शॉप आई फिर से, एक पर्सेस वाली, तो सेम थे ये, अलग से थे पर्स, वैसे उन क्वालिटी उनके साथ मिलती जुलती थी, लेकिन ये थोड़े कॉस्टली दे रहे थे उनसे, वो थोड़े उनके प्राइस बिल्कुल सही थे। और ये देखिए ये रेड वाला पर्स इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये 350 में बता रहे थे, छोटे वाला हैंड बैग जोन सा होता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली लगा। तो एक दो पर्सेज और पीछे कॉस्टली लगा, तो हम आगे चल दिए। और ये चलते चलते देखिए भैया यहाँ पे 150 में दो बता रहे, मैं शायद ये बच्चों के ये वो है बता रहे हैं, लोअर वगैरह बता रहे कहते हैं, ये वाले तो 200 के हैं, ये छोटे वाले जो से कपड़े बच्चों के हैं वो 150 में टू हैं। तो ये सामने भैया एक सैंडल और भैया बैठे थे, वो 300 के थे, इनके पास भी जूते बैली सब आपको जो चाहिए सब मिलता है, जो पसंद हो आप ले सकते हो यहाँ से, तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। तो कई भैयों के पास मैंने आवाज़ रिकॉर्ड की थी, लेकिन पीछे शोर ज़्यादा आ रहा था इसलिए मैंने वो अपनी आवाज़ दी है इस पर, तो भैया की आवाज़ नहीं रखी है, क्योंकि शोर जा रहा था, भैया की आवाज़ कम सुनाई दे रही थी और हमारी भैया की कम और लोगों की ज़्यादा थी। और ये देखिए जी आगे ड्रेसेस, पार्टी वेयर ड्रेसेस मिल रही थी 900 में, सारी की सारी कोई सी आप ले सकते हो, 900 की थी ये। आगे फिर भैया के पास चल गए, और स्टेशनरी का सामान मिला, ये छोटे बच्चों के लिए आप स्टेशनरी का कोई सा भी सामान ले सकते हो, बॉटल्स, पेंसिल, रबड़, जो भी स्कूल में काम आने वाली चीज़ें होती हैं सब इनके पास थी। प्राइस भी इनके अलग अलग थे, कोई 10 रुपीज़, 20 सामान के अकॉर्डिंग इनका प्राइस था। ये देखिए पेंसिल, स्केच पेन, रबर, शॉर्पनर, कलरिंग बुक, जो भी आपको चाहिए सब मिल रहा है यहाँ पे। ये शॉप भी अच्छी है। और आगे हम चले तो ये भैया दे रहे थे सूट, और 150 रुपीज़ मीटर दे रहे थे सूट, ये एम्ब्रॉयडरी की हुई थी इनके पास, और प्लेन इनकी बॉटम थी साथ में, ये कॉटन बोलते हैं पर मुझे कॉटन नहीं लगा, वो सामने एक ग्रीन कलर का सूट है वो मुझे लगा अच्छा लगा, वो कॉटन में था, तो वो बड़ा 450 का बताया सूट उन्होंने, जो कि अच्छा था ये वाला। तो जो सा उन्होंने पहले कॉटन बोला, रियोन कॉटन नहीं थी वो, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा, सिंथेटिक लगा मुझे। तो आगे ये भैया शॉर्ट ब्लैक ही पहनता बेटा ना उसके लिए, दिखाई थे बड़े से बड़ा साइज भी हमारे पास, छोटी साइज भी है तो आप ले सकती हैं। और ये 60 रुपीज़ मीटर ये कपड़ा ले सकते हो, भैया के पास कॉटन में भी है, और सामने जो जॉर्जेट है और चिनॉन है, जो भी आपको चाहिए, डाइवल है, वो सामने वाइट जोन से पड़े हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के थे, डाइवल कपड़ा था बहुत ही प्यारा, पार्टी वेयर ड्रेसेस बन सकती हैं। और ये जूते वाले भैया ये 200 की सेल लगाई हुई थी इन्होंने, आप चलते हैं। तो ये अपने यहाँ पे खिलौने हैं और शो पीसेज हैं, जो आपको चाहिए यहाँ से मिल जाती है। जैसे फोटो है तो भगवान जी की फ़ोटो है, वॉच है, वॉल क्लॉक है, बच्चों से रिलेटेड सामान था। ये आगे लोअर और अपर मिल रहे थे, नाइट सूट थे ये, इनके पास सूट भी स्टिच किए हुए थे, सबके प्राइस अलग अलग हैं, जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। ये टी शर्ट सी 200 रुपीज़ की, ये देखिए दोनों साइड पे टी शर्ट हैं, दोनों में लगी हुई हैं। टी शर्ट की क्वालिटी अच्छी थी, कॉटन में थी, सिंथेटिक नहीं थी इसमें भी कुछ भी। तो भैया ये नाइट सूट सामने लटक रहे हैं, वो भी बहुत प्यारे, कोट सेट भी थे इनके पास, नाइट सूट भी थे, 450 के थे। और ये सामने भैया दे रहे थे जो से पैरों में बिछुए डालते हैं, चांदी के नहीं थे, सिल्वर नहीं था, वैसे आर्टिफिशियल थे, और सिर्फ 30 रुपीज़ में दे रहे थे दो पेयर, 30 रुपीज़ में दो पेयर दे रहे थे, बहुत अच्छे लगे ये भी, देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल चांदी के, बट उन्होंने साफ ही बोला चांदी नहीं है और ये आर्टिफिशियल है। ये देखिए मैं देख रही हूँ अच्छे लगे मुझे। और एक मुझे ये शिवानी को बोला आप ले लो, बेटी मेरे साथ थी उसको बोला भी, उसको ये कड़ा ऐसी चीज़ें पसंद आती है, नहीं मम्मा मेरे को नहीं लेना। ये देखिए बहुत इसको बोलते हैं कड़ा हाथ में डालने के लिए। और इनके पास एयर रिंग्स है, 30 रुपीज़ के एयर रिंग्स से आप जौन सा मर्जी ले सकते हो,
ऊपर वाले थोड़े कॉस्टली थे, 50 रुपीज़ थे, नीचे 30 रुपीज़ थे। तो ये देखिए कितने प्यारे, जो आपको चाहिए आप ले सकते हो। बाली भी है, हैंगिंग भी है, ये देखिए थोड़े फैंसी भी हैं, झुमका भी है, सब तरह के इनके भैया के पास थे। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एयरिंग्स की 30 रुपीज़ में आता क्या भैया आज? और आगे तो ये पंजाबी जूतियाँ मिल रही थी जो कि 350 में थी सारी, हर तरह का। कैसे है? 200 जो कि बहुत अच्छी लगी ये भी। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। मार्केट इतना लंबा ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेता। हम तो आधा देख के बीच में छोड़ के आ गए थे, क्योंकि एक तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी और एक बहुत बड़ा था मार्केट। इनके पास भी वही सामान मिल रहा है सारा किचन से रिलेटेड। ये रेड़ियाँ लगा लगा के भैया लोग बैठे हैं बीच बीच में। और ये देखिए सेरामिक, और ये मग मिल रहे हैं इनके, सेरामिक के थे, अच्छे थे, 50 रुपीज़ के थे छोटे वाले, और बड़े वाले 100 के 3 थे, 100 के 4 थे, छोटे वाले 100 के 50 के 6 थे, और ये वाले 100 के 4 थे बड़े वाले। वाइट कलर में बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये भी। आगे ये भैया स्लीपर दे रहे थे जो कि 100 रुपये में थे। ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है इनकी। सब फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक भैया ये भी थी रेडी लगाई थी, सेरामिक के थे, इनके पास इतने प्यारे प्यारे बॉल थे ना जो कि माइक्रोसेफ थे, और आइसक्रीम के मग थे, ये आइसक्रीम वाली केक कप थे स्माइली की, और ये हांडी थी। ये देखिए कप्स के डिज़ाइन कितने प्यारे प्यारे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं इनके पास। हांडियाँ भी मिल रही हैं, मग मिल रहे हैं, गिलास मिल रहे हैं, हर तरह का इनके पास सामान था। यहाँ से फ्रेंड हम यहाँ तक हमने बाज़ार कवर किया, उसके बाद काफ़ी रात हो गई थी, तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है। अगर आप दो तीन घंटे भी लगाओगे तो इस मार्केट में घूम नहीं पाओगे पूरा, बहुत बड़ा बाज़ार है। फ्रेंड्स कल मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक लिए सबको बाय बाय। आप मेरा वीडियो इन्जॉय कीजिए, कल मिलेंगे, बाय।